हम देख रहे हैं, एक मिनट साइड। मेरा नो नो मीरू जान, मेरा से हेलो टू योर बाबा, से हेलो, हेलो बाबा, हेलो बाबा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट ही मैंने पहले तो मेरा से किया, उसके बाद ये फ़्राइज़ से किया है। मैं फैसलाबाद में, और ये कैसे हो सकता है कि मैं लजीज के फ़्राइज़ ना खाऊं। तो ये रात की वीडियो थी। आज मैंने सुबह आप ही को बुलवाया और हम दोनों ने मिलके पहले तो ये सबसे पहले रेडी किया। ये मुझे अपने रूम के लिए चाहिए था। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जब भी फैसलाबाद जाऊँगी तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से अपने रूम के लिए ज़रूर बना के लाऊँगी। खैर, यहाँ से जब फ्री हुई हूँ तो उसके बाद मेरी अपी ने ही मुझे मूली वाला पराठा बना के दिए। तो वो कह रही थी ये सारी इसकी वीडियो तुम बना लो, कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है। तो ये साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी और वो मेरे लिए पराठा रेडी कर रही थी। मुझे अगर तो आलू वाले मूली वाले पराठे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन से तुम खाओगी, तो मेरा यही जवाब होता है मुझे मूली वाला पराठा खाना है। मुझे आलू वाले से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। खैर, ये मज़ेदार सा पराठा, अम्मी के पास तो मक्खन भी था और साथ रायता और चटनी अम्मी ने बनाई हुई थी, तो मैंने उसके साथ बहुत मज़े ले लेके खाया। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वो भी उसकी भी मैंने पिक्चर बनाई है। ये पहले आप लोग पराठा देख लो। मुझसे पता नहीं क्यों, मैं जब भी बनाती हूँ मुझसे पराठा ठीक नहीं बनता है। तो ये पहले भी सुबह अम्मी ने बनाए हैं पराठे और अब आके ये अपी ने अपने लिए और मेरे लिए ख़ुद बनानी थी। मैंने सोचा आप ही चलो पराठा बना रही हैं, हम अपनी पेट पूजा तो कर रहे हैं, मैं अब्बू को भी कुछ खाने के लिए दे दूं। तो अब्बू ने मुझे 2-3 दिन पहले पंजीरी बना के दी है, मैंने वो साथ लेके जानी है अपने। तो मैंने उन्हें वो थोड़ी सी गर्म कर दी अब्बू को, और साथ में उन्हें मैंने दूध दे दिया, और मेरा को उसके साथ मैंने एग बॉयल किया क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी बेटी ने भी तो कुछ खाना था। ये मैं साथ साथ रेडी कर रही थी। आप लोग ये पराठा एक दफ़ा चेक करो, जिसे भूख नहीं भी होगी मैं कहती हूँ उसे भी देख के भूख लग जाएगी, क्योंकि इधर भी ऐसे ही हुआ। मेरी एक और आपी आई हैं तो वो जैसे उन्होंने देखा, वाओ ये तो बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा पराठा लग रहा था, वो कहती मैंने भी यही खाना है। उनके लिए भी फिर हमने पराठा बनाया। खैर, ये पराठा वराठा खाने के बाद मैंने जो मेरे ड्रेसेस थे वो सारे स्टिच होके आ चुकी हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये वाले ड्रेसेस तो जस्ट जो 3 ड्रेसेस थे ये आए हैं। इसके अलावा जो बाकी ड्रेसेस हैं, मतलब जो मेरी सिस्टर्स ने स्टिच करवाए हैं और बाकियों के बनवाए हैं, मैं आप लोगों से उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये फर्स्ट ड्रेस है, ये पिंक कलर में बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था और ये जस्ट मेरा 8-900 रुपीज़ में बना है। ये जो फुल, मतलब ये शलवार कमीज़, ये मेरी 900 रुपीज़ में बनी है। मैं सब सुन के हैरान हो रहे थे कि इतनी महंगाई के दौर में इतना सस्ता तुमने सूट बनवा लिया है। मैंने खैर, ये ड्रेस अलग, मतलब ये शलवार कमीज़ अलग है और इसके साथ मैंने एक गाउन बनवाया है। ये इसका गला पहले आप सारा चेक कर लो, किस तरह से इसके गले पर मैंने ये टसल्स लगवाए हैं और ये बाजू भी बिल्कुल इसके इसी तरह से बनवाए हैं। क्योंकि ऊपर से गाउन था तो मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवानी, सिंपल सा बनवाना। और ये इसका ट्राउज़र है, क्योंकि ट्राउज़र पे इस तरह से कोई भी ये डोरी लगी अच्छी नहीं लगेगी, तो इस वजह से मैंने ट्राउज़र पे नहीं लगवाई, जस्ट दोनों स्लीव्स पे है और गले पे है। ये देखिए टसल्स बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहे थे, कलर्स बहुत प्यारे थे, तो मैंने सोचा इसके साथ अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, ये मेरा फुल ड्रेस है। ये जो लाइनिंग में आपको ऊपर लीनन का ये नज़र आ रहा है, ये इसका गाउन है। गाउन मैंने ज़रा टेल बनवाया है और जो शर्ट है उसकी भी लेंथ मैंने जो फ्रंट है वो शॉर्ट रखवाई है और जो बैक है वो थोड़ी सी लॉन्ग रखवाई है बैक से, क्योंकि बैक का तो इतना नहीं पता चलता लेकिन फ्रंट से थोड़ी सी शॉर्ट ही अच्छी लगती है। अच्छा, इसके साथ जो दुपट्टा है मेरा, दुपट्टा ये जो पिंक कलर का जो मेरा ड्रेस है, सेम ऐसा ही दुपट्टा है मेरा। वो मेरा डाई होने के लिए मैंने दिया हुआ था इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी। ये मेरा नेक्स्ट ड्रेस है, नेक्स्ट ये मैंने ऑल ओवर प्रिंट पर ही बनवाया है। ये जो प्रिंटेड
आउटफिट इस तरह के मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, काफ़ी सारे इसी तरह से आजकल मतलब जो लिनन के कपड़े हैं वो आए हुए हैं, और ये आप लोग एक दफ़ा गौर से देख लो। इसका जो फ्रंट है वो मैंने बनवाया तो ज़्यादा शॉर्ट था, लेकिन जो मेरी दर्जन है ना उसे समझ में नहीं आता है कुछ भी। ये इसका गला है, इस पर भी मैंने इस तरह से दो ये टसल्स लगवाए थे, ये भी बहुत ज़्यादा इन हैं इस तरह के, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये जो गले पे उसने इस तरह से ये लेस लगाई है, ये उसने अलग कपड़ा लगा के मतलब सेम ही था अलग लगा के उसके साइड्स पे इस तरह से लेस लगा दी है। बाजू पे भी वही सिंपल लगाई, और नीचे ये दामन आपको नज़र आ रहा है, दामन फ्रंट मैंने मतलब गोल रखवाया और जो बैक वाला वो बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा फ्रंट इसका और शॉर्ट रखवाना था, क्योंकि इसके साथ ही मैंने बेल्ट वाली शलवार बनवाई है। ये देखें, ये जो पहले बहुत चलती होती थी ना, मेरा बहुत दिल कर रहा था बड़े दिनों के बाद तो नहीं, बहुत कह लें सालों बाद मैंने इस तरह की शलवार ये बनवाई है इसके साथ। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैंने स्किन कलर का मैच किया, जिस तरह की इसकी लेस है वैसा दुपट्टा मैच किया। अच्छा जी, ये मेरा थर्ड ड्रेस है, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों ये उस तरह से मोबाइल में नहीं आ रहा था जैसा ये सामने से देखने में प्यारा लग रहा है। जो साइड पर गोल सा बना के रखा है पैरेट कलर का, ये मैंने इसके साथ दुपट्टा मैच की है। और ये देखें इसका गला, ये जो आपको नज़र आ रही है ये स्क्वायर शेप में, ये इसकी लेस ही है, ये ऐसी मैंने ली थी, ये मैंने इस तरह से गले पे लगवाई है। और इस पर भी ये जो लटकन है ये देखें, ये लगाई है, और इसके ऊपर एक मैंने ये बटन लगवाया था, लेकिन जो मेरी दर्शन उसने एक काम और ख़राब कर दिया, क्योंकि मैंने बटन ज़रा बड़े वाले बनवाए थे कि मुझे बड़े बटन इसके ऊपर चाहिए, लेकिन उसने छोटे बनवा के वो लगा दिए। फिर मैंने कहा अब क्या मैं इससे कहूँ, अब तो लग चुका है, बन चुकी है चीज़, चलो खैर है कोई बात नहीं। ये फ्रंट पर भी इस तरह से मैंने ये लेस लगवाई है डबल, और ये पीछे जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये इसकी बैक साइड है, बैक मैंने इसकी रखवाई है ए लाइन शेप में, और जो इसकी फ्रंट है वो सिंपल जो जितनी मेरी बाकी शर्ट्स होती हैं मैंने बिल्कुल उतनी ही रखवाई है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट रखवाई है। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये सिंपल से, ये बिल्कुल सिंपल से हैं, इस पर मैंने कुछ नहीं लगवाया, मैंने कहा ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है, अगर ट्राउज़र्स पे भी, स्लीव्स पे भी, नेक लाइन पे भी, और ये दामन पे भी, सब पे वो डिज़ाइनिंग हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी इसी तरह से सिंपल सा है, और स्लीव्स भी ऐसी सिंपल हैं। और बाकी ये जो पूरा स्टाइल है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें फ्रंट इतनी शॉर्ट है और बैक इसकी ये काफ़ी ज़्यादा उसे लॉन्ग रखवाई है और ए लाइन शेप में रखवाई है। ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जब तक यहाँ हूँ जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको स्क्रीन शॉट इसका चाहिए होगा तो आप लोग ले सकते हैं, मैं वैसे इसकी थंबनेल पे पिक्चर्स लगा दूंगी, अगर आपको वहाँ से चाहिए होंगी तो आप वहाँ पे ले लेना। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।